सिटी पोस्ट में आपके साथ में मैं हूं नामिका। शराब, जी हाँ, खबर एक बार फिर से शराब की। शराब पीने से एक बार फिर तीन लोगों की मौत हो गई है। मौत की सूचना मिलने के बाद घटनास्थल पर मेडिकल टीम और जिला प्रशासन के अधिकारी पहुंच करके मामले की जांच की है। प्रशासन जो है वो फिलहाल इसकी पुष्टि नहीं कर रही है। प्रशासन का कहना है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद ही हम इस पर कुछ भी बोलेंगे। मृतक के परिजन भी मौत का कारण हार्ट अटैक बता रहे हैं, लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि तीनों की जो मौत हुई है वो शराब पीने से हुई है। फिलहाल पातेपुर प्रखंड के तीसियौता थाना क्षेत्र में महज एक किलोमीटर के दायरे में तीन लोगों की मौत के बाद पुलिस महकमे में खलबली मची हुई है। स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ महुआ एसडीपीओ, एएलटीएफ और बड़ी संख्या में रैफ जवान जो है वो मौके पर पहुंच गए हैं। 24 घंटे के अंदर तीन व्यक्तियों की संदिग्ध मौत के बाद पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। सबसे पहले थाना क्षेत्र के सुंभरकरपुर टिकाली गांव निवासी भोला झा के बेटे निछत्र झा की मौत शुक्रवार की रात हो गई। दूसरी मौत महती गांव निवासी शिवशंकर सिंह के बेटे अरविंद सिंह की मौत शनिवार की रात और तीसरी मौत पदमौल गांव निवासी स्वर्गीय स्वाम राम स्वरूप सिंह के बेटे मनोज सिंह की हो गई। इधर ग्रामीणों का कहना है कि तीनों की मौत जहरीली शराब पीने से हुई है। नक्षत्र झा को लोगों ने शराब के नशे में सड़क के किनारे छटपटाते देखा भी था। वहीं मृतक के परिजन द्वारा तीनों की मौत का कारण हार्ट अटैक बताया जा रहा है। तीसियौता थाना अध्यक्ष रविंद्र पाल मौके पर पहुंच करके लोगों का बयान लेने के बाद वापस थाने लौट गए हैं। आपको बता दें कि बीते 12 अक्टूबर को राजा पाकर थाना के बैकुंठपुर गांव में 53 ईयर्स व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी, जबकि एक लड़का गंभीर रूप से बीमार पड़ गया था। परिजनों ने शराब पीने से मौत का आरोप लगाया था। पुलिस की छापेमारी में गांव के बगीचे से होम्योपैथिक दवाओं की बोतलें बरामद की गई थी और इस दवा के मद से शराब तैयार किया जाता था। तत्कालीन थानाध्यक्ष को इस घटना के बाद लाइन हाजिर कर दिया गया था। वहीं राघोपुर प्रखंड की चक सिंगार पंचायत की दलित बस्ती में 25 और 26 अगस्त को 24 घंटे के अंदर पांच लोगों की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई थी। पांचों के परिजनों ने जहरीली शराब से मौत का आरोप लगाया था और एक बार फिर से जो मामला है वो जहरीली शराब पीने से तीन लोगों की मौत का मामला जो है वो सामने आया है। फिलहाल इस पर इतना ही। नामिका को दीजिए इजाजत।